हे गाइस एंड हेलो ई अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माईट्यूब चैनल आज की वीडियो में हम लोग बनाते हैं चाइनीज़ राइस सो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स एंड चिकन ले लिया है बोनलेस एंड सबसे पहले अब हम लोग एक की ले, ले लेंगे एंड उसके अंदर मैं ऐड करी हूँ यहाँ पे ऑयल मैंने ऑयल यहाँ पे आधा कप यूज़ किया है एंड अब इस आधा कप ऑयल के अंदर मैं सबसे पहले गाइस ऐड करूँगी दो अंडे ये मैंने अंडे पहले फेंट लिए थे एक नॉर्मल आपने दो अंडे लेने हैं उनको तोड़ के किसी भी बॉल में फेंट लें और इस तरीके से आपने आधे कप ऑयल के अंदर इनको डाल देना है और गाइस आप देख सकते हैं इस पोजीशन में जब हमारे अंडे आ जाए तो आपने इनको निकाल लेना है एंड इनको आप अपने साइड पे रख देना है इनकी जरूरत हमें इस वीडियो की एंड में पड़ेगी अपने राइस के के फाइनल लुक लिए अब मैं गाइस क्या एड करूंगी से मैं ऐड करी यहाँ पे चॉप गार्लिक मैंने एक गट्ठी ले ली थी उसकी गार्लिक की एंड उसको मैंने प्रॉपरली पील करके चॉप कर लिया एंड उसको हम अब मैं सेम ही ऑयल में इसको बना रही हूँ सेम ही ऑयल के अंदर आपने इनको हल्का हल्का ब्राउन कर लेना है रोस्ट कर लेना है एंड अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बोनलेस चिकन ये मैंने वन के जी बोनलेस चिकन लिया था और उसको छोटी छोटी क्यूब्स में कट कर लिया एंड फिर हम अब इसको हिलाएँगे एंड इसको हल्का हल्का हम हिलाते जाएंगे ताकि ये जल ना जाए एंड प्रॉपरली इसका जो टोन है वो चेंज भी हो जाए एंड गाइस अप्रोक्सीमेटली दो से तीन मिनट के बाद इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कैबेज ये कैबेज भी मैंने नॉर्मली कट कर ली थी क्योंकि अगर आपने चाइनीज राइस वग़ैरह खाए हैं तो उनके अंदर कैबेज और स्प्रिंग अनियन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लेकिन स्प्रिंग अनियन मेरे पास अवेलेबल नहीं था अगर आपके पास घर में स्वी, स्प्रिंग अनियन है तो आप लोग इसके अंदर वो भी ऐड करें एंड कैबेज डालने के बाद काइस मैं अब इसके अंदर ऐड करूँगी साथ ही कैरेट uh, मैंने आप टू टू थ्री जो कैरेट्स आती हैं नॉर्मल साइज की उनको कट कर लिया है वो भी साथ में इसके ऐड कर दूंगी एंड अब हम इसको अगेन मिक्स कर लेंगे अब मैं गाइस इसके अंदर ऐड कर रही हूँ तीन मैंने नॉर्मल साइज के आलू लेके उनको कट कर लिया था मैंने इसके अंदर वो ऐड करे हैं वो बिल्कुल ऑप्शनल है वो अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो स्किप कर सकते हैं लेकिन आप ऐड कर सकते हैं उससे टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है एंड काफ़ी लुक वाइज भी बहुत क्लासकी लगते हैं साथ का ही सब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मटर मैंने ये फ्रोज़न मटर लिए हैं अगर आपके पास नॉर्मल भी हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं एंड हम हम इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे ताकि क्योंकि जो हमारी जितनी भी वेजिटेबल्स थी वो कुक नहीं थी तो अब हम इनको इसलिए मिक्स करेंगे ताकि वो नॉर्मली साथ साथ कुक भी हो जाए अब मैंने यहाँ पे तीन टाइप की तीन कलर की कैप्सिकम ले लिया है ग्रीन कलर की रेड कलर की एंड येलो कलर की उनको भी मैंने स्लाइस में कट कर लिया है अब मैं इसके अंदर वो ऐड करके फिर से इसे मिक्स करूँगी अब मैं गाइस इसके अंदर कर करी चाइनीज सॉल्ट मैंने अभी वन टेबल स्पून इसके अंदर चाइनीज सॉल्ट यूज किया क्योंकि सब चाइनीज डिश है तो चाइनीज सॉल्ट तो यूज़ होगा ही इसके अंदर फिर हम इसे अगेन मिक्स कर लेंगे एंड हम इसे प्रॉपरली फिर से मिक्स कर लेंगे फिर गाइस मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बॉयल्ड राइस मैंने ये वाले ढाई कप जो ढाई मग होता है जो कॉफी वाला मग होता है वो वाले ढाई कप मैंने उस मेजरमेंट से ढाई कप चावल बॉयल कर लिए थे एंड मैं इसके अंदर वो ऐड कर रही हूँ

ऑप्शनल क्योंकि चाइनीज डिशेज में आपको पता है सोया सॉस एंड विनेगर डलता है लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते किसी रीजन की वजह से तो आप विनेगर को स्किप करके उसकी जगह आप थोड़ा सा कम करके लेमन जूस ऐड कर सकते हैं बिकॉज उससे ऑलमोस्ट टेस्ट जो होता है वो सेम ही होता है इनका अब मैं इसे प्रॉपरली मिक्स कर लूँगी अब मिक्स करने के बाद हमने वही वाला जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जो हमने अंडे का जो उनको हमने फ्राई करके बनाया था उनका मिक्सचर सा वो अब हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे एंड अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ मैंने इसको दम लगाया था फॉर फाइव मिनट्स और पाँच मिनट दम लगाने के बाद मैंने अब इसे डिश आउट किया है एंड दिस इज हाउ आवर चाइनीज राइस लुक्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसे लगे अपना ख्याल रखिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अल्लाह